ईडीरे हाजर हेले सोनिया गांधी दलय नेता और समर्थकों मेलरे ईडी ऑफिस गले नेशनल हेराल्ड मामला रे सोनिया को हाजर पाई नोटिस जारी करा जाइतिला ईडी पक्षरो रंग ईडी रे नोटिस पाइबा पर हाजर होचंती सोनिया पूर्वरो स्वास्थ्यगत कारण दर्शाई बारंबार ईडी रे नोटिस को एडाई आसुथिले किंतु सेसरे आज सोनिया गांधी को हाजर हवा पाई पड़ी नेशनल हेराल्ड रे जो भली भाव में दुर्नीति कथा सामना को आसीथिला अनियमितता कथा सामना को आसीथिला एवं बेआईन कार्य कथा सामना को आसीथिला ताकु नै कि पूर्वरु राहुल गांधी को मध्य ईडी बारंबार जेरा करि सारिछि एवं आज सोनिया गांधी को जेरा करा जाउछि ईडी बारंबार तांगु नोटिस करिथिला किंतु से स्वास्थ्यगत कारण दर्शाय हाजर हो नथिले किंतु आज तांगु हाजर हवा पई पड़िछि ईडी रे ता एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तांगु आज पचराउचरा करिब नेशनल हेराल्ड रे जो अनियमितता होई एवं जो बेआईन कार्य होई से संपर्क प्रश्न करिब ईडी अधिकारी माने सोनिया गांधी हाजर होती ईडी सम्मुखें गोटे पटे जड़े सरल स्वच्छ सरल निर्मल भावमूर्तिर महिला आज राष्ट्रपति भाव में ना घोषणा होगापाई जा जड़े राजनेता एवं ये भी जड़े राजनेता ये जड़े महिला राजनेता जे कि एक अनियमितता मामलें ईडी प्रश्नर सम्मुखीन होगापाई जा 65 साल के ऊपर जितने भी सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके घर को जाकर वो करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा हो रहा है कि सब चीजें वो तोड़ रहे हैं कि वो दिखाना चाहते हैं वो कितने पावरफुल है। देखो, हर मुद्दा हम उठाएंगे। अब तो महंगाई का मुद्दा हम उठाएं, उसको भी चर्चा के लिए वो तैयार नहीं है। उसके बाद में अब ईडी सीबीआई का मिसयूज कर रहे हैं, उसके लिए भी वो तैयार नहीं है। तो हम लड़ते रहेंगे। मेरे ख्याल में जो लोग समझना चाहते हैं, हम पहले इस हफ्ते क्या किए पार्लियामेंट के अंदर, हम देश के सारे मुद्दे उठाने की कोशिश किए, सारे समस्या जो आम आदमी सह रहे हैं, जैसे कि महंगाई के बारे में, सरकार चर्चा करने के लिए नहीं तैयार है। और उसके अलावा वो हमारे नेताओं के खिलाफ इस किस्म के राजनीतिक इंक्वायरी चल रहे हैं, तो नेचुरली हम प्रोटेस्ट करेंगे, किया हुआ है और करेंगे।